दोस्तों, हाथ पर मेहंदी क्यों चढ़ाया था? इसके पीछे क्या रहस्य है कि हाथ पर मेहंदी चढ़ाया था? क्या केवल शोभे के लिए? नहीं, इसके पीछे भी रहस्य है। वीडियो के अंत तक आप बन रहे, पूरे मालूम चल जाएगा आपको कि क्यों मेहंदी हाथ पर चढ़ाया जाता है। कंगारू जो होता है वह अपने समूह में चलता है। तो आप लोग कहते होंगे कितना भीड़ है कंगारू का, जो कंगारू बहुत अधिक भीड़ में चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कंगारू एक ग्रुप बना के चलता है। जिस प्रकार से आदमी अपने ग्रुप बनाता है, फलना ग्रुप, उसी प्रकार कंगारू अपने ग्रुप बना कर ही चलता है, वह बिना ग्रुप के नहीं चलता है। जी हाँ, मेरी वीडियो केला है जो फल है या वह सब्जी है, ये इसको क्या कहते हैं? इसको केला को न फल कहा जाता है न ही सब्जी कहा जाता है। आप लोग कहेंगे कि किताब में दिया हुआ है कि फल और सब्जी दोनों दिया हुआ है, लेकिन मैं बता देता हूँ, वास्तविक इसे कहा जाता है एक जड़ी बूटी, जो कि केला को एक जड़ी बूटी भी कहा जाता है। मेन इसका जड़ी बूटी ही अर्थ हुआ। मेरे वीडियो अच्छा लगा है तुम्हें। हाथी को कितने दूर पहले पता चल जाता है कि मेरे आसपास में पानी है, बिना देखे हुए वह केवल सूंघ के ही बताता है कि मेरे आस पानी है। और कितने दूर है पानी है? जी हाँ, 3 मील यानी कि 3 किलोमीटर, जिसे कहा जाता है एक कोस। 3 किलोमीटर पहले ही पता चल जाता है कि पानी है, लगभग 3 किलोमीटर करीब, यानी एक कोस के लगभग करीब वह हाथी को पता चल जाता है कि पानी है। मेरे वीडियो कौन ऐसा पेड़ है जो कि सबसे अधिक ऑक्सीजन प्रदान करता है? मेरी वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पेड़, वह पेड़ का नाम है पीपल, जो पीपल सबसे अधिक ऑक्सीजन प्राप्त करता है, जिसके कारण हम लोगों को कहा जाता है कि पीपल पर विष्णु भगवान का स्थान है, और किसी स्थान जगह पीपल का पेड़ रोपना चाहिए, जिससे कि आदमी जाए और अधिक से अधिक ऑक्सीजन ले पाए। मेरी वीडियो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में किसने मुख्यमंत्री बना है? सबसे पहले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री किसने बना है? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने पहली बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है। मेरी वीडियो अच्छा लगता है, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दे। कौन ऐसा मछली है जिसमें दिल दिमाग नहीं होता है? जिस मछली में दिल दिमाग दोनों नहीं होता है, वह मछली का क्या नाम है? जेलीफिश एक ऐसा मछली है जिसमें दिल और दिमाग नहीं होता है, जिसमें 98% पानी ही होता है, 2% वह शरीर होता है, जिसको आप जमीन पर अगर रखते हैं तो हवा में खत्म हो सकता है, वह गल जाता है। आप किस देश में चिंगम नहीं खा सकते हैं? आपको चिंगम खाने के बाद आप पर चालान कर जाएगा और आपको चालान का भुगतान करना पड़ेगा, आपको जेल भी हो सकता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सिंगापुर एक ऐसा देश है जहाँ पर आप चिंगम नहीं खा सकते हैं। चिंगम खाने के बाद आपको तुरंत आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा और आपको चालान कर जाएगा, जिसको भरपाई। भारत का कौन सा एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग अधिक शाकाहारी हैं, यानी कि 100 में 90% लोग वहाँ के शाकाहारी हैं? राजस्थान एक ऐसा जगह है जहाँ के लोग शाकाहारी ही हैं। मेरे वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भारत का कौन सा गांव है जो बहुत जल्द बदल गया है, जिसे स्मार्ट गांव यानी कि स्मार्ट विलेज भी कहते हैं? मेरे वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पुनसारी एक ऐसा गांव है जो कि गुजरात में है, जो कि बहुत जल्द ही बदल गया है, जिसको स्मार्ट विलेज के नाम से जाना जाता है। मेरे वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। आप बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं? आप अगर पता है तो 4 सेक्शन जरूर लिख दीजिए। बैंक को हिंदी में अधिकोष कहते हैं, और अधिकोष इसलिए कहते हैं कि पहले के ज़माने के राजा महाराजाओं ने इसका नाम अधिकोष रख दिया, जिसके कारण इसको रुपया जमा किया जाता है, जिसको अधिकोष कहते हैं, और बाद में जाकर इसे बैंक के नाम इंग्लिश में दिया गया। मेरी वीडियो गाइज, असम का पुराना नाम क्या है? इसके पहले जो अभी नाम है असम का, उसके पहले क्या नाम था असम का?
असम का कामरूप, कामरूप पुराना नाम असम का था, जो कि कामरूप नाम के बाद बदल कर असम रख दिया गया। मेरे वीडियो अच्छा लगता मैं चल हाथ हाथ पर मेहंदी क्यों लगाते हैं, क्यों हाथ पर मेहंदी चढ़ाते हैं, इसके पीछे क्या राज्य है। हाथ पर मेहंदी भी चढ़ाता है कि अच्छे हाथ दिखे, यहाँ भी कारण है, लेकिन मेन इसका रहस्य है कि हाथ में जो गर्मी उत्पन्न होता है। अब गर्मी कैसे उत्पन्न होता है, जो कि पहले ज़माने में अधिक लोग मसाला वगैरह सिलट पर पीसते थे, जिसके कारण मिर्च वगैरह मसाला पीसने से हाथ में गर्मी उत्पन्न होता था, हाथ लहरता था, जो कि प्रक्रिया किया गया कि इससे कैसे बचा जाए। और जो कि मेहंदी का जो पेड़ पहले होता था, उस पेड़ का पत्ते को तोड़ कर पीस के चढ़ाने से वह गर्मी खत्म हो जाता था, तो लोग उस मेहंदी प्रकार से चढ़ाने लगे कि वह अच्छा भी दिखे और ख़राब भी ना लगे, इसलिए मेहंदी लगाया जाता है, जिससे कि हाथ का लहर कम हो सके और सप्ताह में एक दो बार यहाँ प्रक्रिया चलता रहे, इसलिए लगाता है। मेरे वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।